कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक है। तो अगर इफ़ z इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है z, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो और कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ठीक, इफ z is equals to a plus iota b, then the conjugate of the complex number is equals to z bar, which becomes a plus iota b to the bar। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या काम करवाएंगे कि जब यहाँ से इसका बार रिमूव होता है तो वो आपके पास इसके बराबर आता है a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल डेफिनेशन देख ली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। दी सेकंड पार्ट इज फर्स्ट पार्ट आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, सेकंड पार्ट इज माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो है वो इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमने लेट कर लिया कि लेट z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। दैन इसकी जो अगर हम कॉन्जुगेट अगर कैलकुलेट करते हैं पहले, तो कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू जेड बार इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा बार। अच्छा, बार मीन्स जब यहाँ आप बार रिमूव करेंगे कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के, जो आयोटा के साथ जो साइन होगा आपके पास, आइदर प्लस हो या माइनस हो, तो वो सिर्फ चेंज हो जाता है। माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 7 आयोटा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ऑफ कॉन्जुगेट। नाउ उसके बाद जो है वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब इसके कॉन्जुगेट किस, एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1 टू दी पावर स्क्वायर आ जाएगा। हमने देखा था फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा नहीं आता उसके अंदर, 7 टू दी पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी बन गई इसकी, 50। तो माइनस 1 प्लस 7 आयोटा की जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये किसके इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली हम जो है वो इसका 6th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट जो है वो ईजी हैं। 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, तो इनके कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। दैन 6th पार्ट हम जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्टली अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाएं a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 माइनस 4 आयोटा टू द पावर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab, 2 5 10 एंड 10 4 आपके पास कितना होता है, 40। तो ये हो जाएगा 40 आयोटा, और प्लस 4 टू द पावर स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम इधर ही पुट कर देते हैं, माइनस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करवा सकते हैं फिर, 25 माइनस 16 एंड माइनस 40 आयोटा, विच इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस 40 आयोटा, ठीक है। तो 5 माइनस 4 आयोटा टू द पावर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं कि ये बराबर है 9 माइनस 40 आयोटा के। अब अगर हम इसको जो है वो पहले z इज इक्वल्स टू 90 माइनस 40 आयोटा लिखें, और अगर इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करवाएं z बार विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9 माइनस 40 आयोटा, इसका बार विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 40 आयोटा, ठीक है, z बार। अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन्स आपके पास जो रियल पार्ट का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर और प्लस 40 टू द पावर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 40 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 1600, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द z इज इक्वल्स टू 1681, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6th। ठीक, नेक्स्ट हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं पार्ट नंबर 7। ठीक, पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे फिर हम। तो पार्ट नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2/3 माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव साइन देखते हैं तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। तो मीन्स आपके पास ये जो नंबर है बेसिकली उसको स्क्वायर रूट 2 - 3, 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होता है 16 का रूट कितना होता है 4, और माइनस रूट में आने की वजह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू दिस नंबर एंड जब हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करवाएंगे तो 2/3 माइनस का 3/4 आयोटा होगा और इस पे जो है वो बार लगा देंगे एंड जब बार रिमूव होगा तो आपको पता है कि जो आयोटा के साथ का साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 3/4 आयोटा। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट। अब हमें क्या करना है कि इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट इसमें वो होता है जो कि जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, इसका स्क्वायर 2/3 स्क्वायर प्लस 3/4 स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये आपके पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम इसको कैलकुलेट तो 2/3 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 एंड प्लस 3/9/16। ठीक, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर इज 1/√145/12। तो दिस इज द आंसर ऑफ z, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, अब जिस तरीके से अगर पार्ट नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो पार्ट 8 अटैम्प्ट कर रहे हैं। और पार्ट 8 के अंदर जो है वो आपके पास जो है देखो 1 + आयोटा × 1 + 2 आयोटा / 3। अच्छा, देखें कॉन्जुगेट अप्लाई करवाने के लिए हमारे पास एक सिचुएशन होती है कि डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास आयोटा, अगर फ्री फ्रॉम आयोटा टर्म्स होंगी तभी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करवा सकते हैं। तो पहले तो हम इसमें 1 + आयोटा × 1 + 2 आयोटा लिखा हुआ है तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, -1 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 है और दिस बिकम -2, तो 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक है, 3 + आयोटा। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है अभी इसमें डिवीजन में आयोटा आ रहा है तो हम इसको फिर क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं और उसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं किससे, इसके कॉन्जुगेट से। 3 + आयोटा टू दी कॉन्जुगेट, यहाँ पर इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी इसका 12 आ जाएगा। -1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये वाला फैक्टर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 3 - आयोटा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, एंड नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3 + आयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करवाएंगे उसके बाद, -1 × (3 = -3) एंड प्लस आयोटा प्लस 3 × (9 आयोटा एंड प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ नोट करें तो देखें 3 + आयोटा 3 - आयोटा की जगह हम एक फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं, विच इज इक्वल टू a + b × a - b, 3² a² - b², 3² × आयोटा स्क्वायर -3। और यहाँ पर अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 तो ये कितना हो जाएगा -3 और +3। ठीक है, -3 प्लस का 10 आयोटा एंड ये हो जाएगा आपके पास +3 डिवाइडेड बाय 3² 9 एंड +1। -3 + 3 कैंसिल, दिस बिकम्स 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 से 10 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू ओनली आयोटा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ओनली आपके पास किसके बराबर बन रहा है, आयोटा के। जब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, z बार इज इक्वल्स टू ओनली -आयोटा। तो दिस इज योर आंसर ऑफ कॉन्जुगेट, कि आपके पास कॉन्जुगेट का आंसर आया। ठीक है, और जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट के स्क्वायर और प्लस इमेजनरी। अब यहाँ पे कोई रियल पार्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब है जीरो का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है 1, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फाइनली बिकम इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।